समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व चेयरमैन सुनील कुमार गुप्त के बेटे यश चंद्र गुप्त के तिलक समारोह में शिरकत करने कन्नौज पहुंचे। गुरुवार को उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी लोकसभा चुनाव कन्नौज से लड़ने के संकेत दिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कई निशान भी साधे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 100% जान बचती है अगर एक्सीडेंट हो गया तो। सैफई का ट्रॉमा मेडिकल कॉलेज, क्या कन्नौज का ट्रॉमा सेंटर मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं बनना चाहिए था? और फिर इतने दिन गुजर गए, अगर कोई हादसा हो जाए, कहीं घटना घट जाए, तो उसकी जान बचेगी नहीं बचेगी? हम तो कहेंगे बीजेपी वाले को ये सोचना चाहिए, जान से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट में गया, कुत्ते घूम रहे थे वहाँ पर। आप में से कोई पत्रकार साथी रहा होगा, उसने रिकॉर्ड किया है, एक दो कुत्ते नहीं, 8-10 कुत्ते घूम रहे। आपका कैंसर का डिपार्टमेंट, आप पूरे कन्नौज में ढूंढ लीजिए, फरकाबाद में पता करिए आप, जो लोग कैंसर का इलाज करते हैं, कितने परिवारों के घरों के बीच में कैंसर फैल गया। और जब कैंसर फैलता है तो पूरा घर परिवार का बजट बिगड़ जाता है, कहाँ इलाज कराने जाएंगे आप? तो ये मेडिकल कॉलेज में अलग से कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इंतजाम होना था, वो भी अधूरा। पैरामेडिकल है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, पैरामेडिकल है, आज चलता तो पूरे आपके उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस की मदद करता। वो टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है आपको। ये आपका जो बनी है बिल्डिंग, टेलीग्राम से देखोगे क्या बिल्डिंग नज़र आती है। ये बिल्डिंग कब बन जानी चाहिए थी? कुछ लोग कहते हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है कन्नौज में। अरे कन्नौज में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है कन्नौज में। जिनको ये लगता है कन्नौज में उसकी ज़रूरत क्या है, आपके सामने कहा किसी ने? बताओ, ऐसे पढ़े लिखे लोग इतनी खराब बातें करेंगे तो वो कैसे लोग होंगे? सोचिए, वो कन्नौज के बारे में क्या रखते होंगे? मैं परफ्यूमरी की बात कर रहा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोबर की बात कर रहे थे। मैंने कहा कन्नौज को परफ्यूम पार्क चाहिए, और मुख्यमंत्री कह रहे गोबर चाहिए आपको। मैंने कहा आप ले जाइए अपना गोरखपुर में गोबर, हमें नहीं चाहिए। कन्नौज की पहचान इत्र से है, परफ्यूमरी पार्क बनता तो यहाँ के किसान और यहाँ व्यापारियों को लाभ होता। दुनिया में पहचान पहले से है, इस पहचान को और बड़ी पहचान बनाता इत्र का कारोबार, परफ्यूमरी का। आप देख लीजिए क्या है। इसलिए आप उलझो मत, कन्नौज के साथियों से हमारा निवेदन करेगा, बीजेपी के लोग बिना खर्चे के, बिना बजट के नफरत फैलाते हैं, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, प्रधान जी हो तो मुकदमा लिखा देंगे, कहीं बिल्डिंग गलत बनाई होगी तो उसका कागज़ दिखाएंगे अकेले अंधेरे में कमरे में कि देखो ये कागज़ हैं, तुम्हारी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, नहीं तो समाजवादी पार्टी की धीरे धीरे मदद करो या साजिश करो। तो ये खेल चल रहा है, इस खेल को जनता जान गई है। आने वाले समय में ऐसे समय आते हैं लोगों को मिल जाता है बहुमत, लेकिन काम में समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये थी कन्नौज से हमारे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टुडे जूनियर।